आपकी जानकारी गलत है। पहली बात, कर्नाटक में हमारे यहाँ जितने मैं आया तब तक एक भी इंसिडेंट हुआ नहीं था। इंसिडेंट जो हुए बाकी स्टेट्स में हुए थे। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे अशोक, उनको मैंने आसाम भेजा, नॉर्थ ईस्ट भेजा, और मैं आने के पहले दो दिन पहले मणिपुर गया था और हमने उन सब लड़कों की गार्डियनशिप लेने के बारे में हमने प्रोग्राम बनाया और हमारे यहाँ सभी जगह प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और उल्टा हमारे बीजेपी विद्यार्थी परिषद, आप जो कह रहे हैं विद्यार्थी परिषद, लगा ये 100% गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और हम लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको सबको संभाल रहे हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे यहाँ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है गुजरात में, उसकी एक सबका मंत्री को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है नरोदिया पाटिया कत्लेआम के मामले में। सो व्हाट इज योर पोजीशन ऑन दैट? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब तक कह रही थी हमारा तो कुछ है नहीं, डोंट यू थिंक इट्स एन इंडाइटमेंट? हिंदुस्तान में बहुत मंत्रियों को कार्रवाई होती है, हमारी नहीं हुई। और जैसे कोर्ट के बारे में जो होता है तो हाईकोर्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, हाईकोर्ट में जोड़ता है। गुजरात में जो कुछ चल रहा है वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चल रहा है। और गुजरात में आप यहाँ भी हो तो एक बात याद रखना, मैं अगर आपको पूछूं कि कैसा एक भी डिसीजन आप हमको बताओ कि हमने जात पंथ धर्म भाषा को डिस्क्रिमिनेट करने वाला किया, 9 स्टेट में हम रूलिंग पार्टी हैं, ऐसा नहीं है। गुजरात के बारे में भी एक सेक्शन ऑफ मीडिया लगातार गलत बातें देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश पर इसकी क्या वजह हो सकती है? मीडिया ऐसा क्यों करेगा? करते पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। आजकल मीडिया के आधे मालक मालूम नहीं यहाँ क्या है। हिंदुस्तान में तो 80% मीडिया के मालक तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अच्छा गडकरी साहब, आप पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहते, अब जो डिसरप्शंस चल रही हैं, पर आए दिन इंडिया में हम यहाँ बाहर बैठे हुए पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बारे में अगर कुछ अच्छा कहना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आए दिन स्कैम्स, डिसरप्शंस, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। इमेज कब इंडिया की ठीक होगी? इसकी वजह से कैनेडा और इंडिया के भी बहुत सारे अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला है, इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, ग्रोथ रेट इंडिया का कम हो गया, आए दिन पार्लियामेंट में कोई ना कोई दंगा होता है। इसलिए आज के हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधारने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हमारा जो GDP है, ग्रोथ रेट है, वो काफ़ी डाउन हुआ है। जो हम 9-10 पर जाने की बात कर रहे थे, 12 पर जाने का एम रखते थे, वो 5.40 और 2.0 से भी कम हुआ है। पर ये सब बातें जो है इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। और जहाँ तक हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी करके काम कर रहे हैं, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, इंडिया विजन 2025, और इस परिस्थितियों पर मात करके हम इंडिया को इकोनॉमिक दृष्टिकोण से और प्रोग्रेस कैसा कर सकते हैं, आगे कैसा जा सकते हैं, इसकी योजना हमने बनाई है और वो निश्चित रूप से हम करेंगे। जो बाकी बातें हैं आज के सरकार के बारे में, उसमें यहाँ कुछ कहना मुझे उचित नहीं लगता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब पिछली बारी जब इलेक्शंस हुए थे, इंडिया शाइनिंग का जो आपका 100% पॉलिटिक्स, लेकिन आपने डाइवर्सिटी की बात की थी उसके नाते में मैंने आपका सौजन्य करके कुछ देखा था। आखिरी सवाल पूछिए, जो आपने डाइवर्सिटी की बात की थी उसके नाते में पूछना चाहूँगा कि डाइवर्सिटी ही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है और देश एक रहना चाहिए। जो आज हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे जो टेररिज्म चल रहा है, समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में क्या पोजीशन है बीजेपी? आपकी जानकारियाँ बहुत गलत हैं। आपको पाकिस्तान एम्बेसी को समझौता एक्सप्रेस के बारे में भारत सरकार ने पहले क्या भेजा था रिपोर्ट है पता नहीं होगा। आप पहले एक काम करिए कि गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई ओपिनियन मत बनाइए। पूरे वर्ल्ड में जहाँ हिंदू, देखो पूरे वर्ल्ड की आप हिस्ट्री देखो, जहाँ हिंदू बहुसंख्य है वहाँ कहीं टॉलरेंस है और वहाँ कोई किसी प्रकार का ये नहीं है। और जो अलग अलग प्रकार के हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, संप्रदाय है, सब मिलकर अच्छे जगह से रहते हैं। उसके कारण डेमोक्रेसी भी है, सोशलिज्म भी है और सेकुलरिज्म भी है। मैं टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता, वर्ल्ड में जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं या जहाँ 51% मुस्लिम हो जाते हैं, वैसे एक भी देश में सोशलिज्म नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है और सेकुलरवाद नहीं है। इसलिए आप जो इमेज वर्सेस रियलिटी एंड परसेप्शन वर्सेस ग्राउंड रियलिटी, इसमें जब तक आप आखिरी तक जाकर सच्चाई का पता नहीं करोगे तब तक ओपिनियन मत बनाइए।
मुझे लगता है इसके कारण काफी गलत फहमियां तैयार होती है। लेकिन जो अभी भारत का भारतीय बजरंग दल के नाम आ रहे हैं बॉम्ब फैक्ट्रीज के बारे में संबंध देने उसमें और जिहादियों में क्या फर्क है? आपकी जानकारियां इतनी गलत हैं कि आप कनाडा में रहकर अभी मुझे ये कहना पड़ेगा अभिनव भारत से भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का कोई संबंध नहीं है। आप यहाँ बैठकर गलत जानकारी लोगों को भी मत दीजिए और आपका भी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में सुधार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर गडकरी गोइंग इनटू 2014 व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट बीजेपी इज फेसिंग? मैंने आपका सम्मान किया आप वही घुसकर वहां जा रही है। That is not correct. चैलेंज की बात कर रहे थे इंडियन पत्रकार और भारत के पत्रकार दोनों सेम ही है। सेम होते हैं गडकरी साहब। साहिबान आज बसाती का दिन है। पोजीशन नो फायर।